इतना काफी है। हाँ, इतना काफी है, क्योंकि जॉय ई बाइक चले 17 में 100। नमस्कार, मैं हूं संजय सरवरी और आप देख रहे हैं लकी डीसी न्यूज। से खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं दिन भर की खास खबरों पर। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि बरंडा में वे मामले में होगी बड़ी कार्रवाई। हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। आज भी जारी रही नगर पालिका की अतिक्रमण विरोधी मुहिम। आमानी में बाबा साहब का उत्सव। ये थी दिनभर की कुछ खास खबरें। खबरों का क्रम विस्तार से, दमोह नगर के स्टेशन चौराहे से एक बार पुनः अतिक्रमण विरोधी मुहिम प्रारंभ हुई। इस मुहिम का प्रारंभिक चरण में काफ़ी विरोध देखा गया। स्थानीय व्यापारियों के द्वारा इस बात का विरोध किया गया कि उनके जो निर्माण कार्य हैं यहाँ पर नाली पर, उनके द्वारा जो स्लैब डाला गया है उसे तोड़ा जा रहा है, जिसके चलते यहाँ पर पुनः धूल हो जाएगी और उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। उनका कहना कि चैम्बर बनाए गए हैं जिससे यहाँ पर सफाई की जाए। उनके द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। काफ़ी बहस यहाँ पर देखने को मिली। स्टेशन चौक के समीप ये पूरा अतिक्रमण विरोधी मुहिम चल रहा है। यहाँ पर अधिकारी कर्मचारी मौजूद थे। हालांकि बताया जाता है कि जब विवाद बढ़ गया तो सीएमओ को मौके पर बुलाया गया। अतिक्रमण विरोधी मुहिम में तहसीलदार दमो मोहित जैन मौजूद थे। व्यापारियों का क्या कहना है, आइए आपको सुनाते हैं किस तरह से बहस हुई। थोड़े चैम्बर खुलवा दीजिए आप, या लोगों को कह देते हैं, निशान लगा देते हैं, आप ये चैम्बर खोल दीजिए। आपको 3 दिन का 2 दिन का टाइम देते हैं, बोल लेंगे, किसी का नुकसान ना हो, आपसे निवेदन कर सकते हैं। अच्छी बात है, जरा जाओ बताइए। ज्ञान हो तो उनको समझाए, आपकी जो शैली वो हमने सुनी। अब सीएमओ साहेबा को अगर ज्ञान होगा कि वो कैसे पास होंगे, ये उनके विवेक की करेगा, ये उनके वो है, वो बताएंगे। हम आपकी बात से सहमत है, हम खरोचेंगे नहीं। डेविड का होगा जमीन पे, बाकी तो हमको अपने आप सही हो जाएंगे। दम में अधिकांश स्थानों पर नगर पालिका के द्वारा मोहलत दी गई है। हालांकि मोहलत दिए जाने के बावजूद शहर में कहीं भी अतिक्रमण नहीं हटाए गए हैं। दमोह नगर पालिका सीएमओ सुषमा धाकड़ के द्वारा कहा गया था कि शहर में जिन स्थानों पर ये डब्बे नुमा दुकानदारों के द्वारा अतिक्रमण कर रखा है, न भी हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मुंह देखी कार्रवाई के आरोप लगातार लग रहे हैं। संजय सरवरिया, लकड़ीसिया न्यूज। दमोह जिला अस्पताल से कुछ ऐसे वीडियो सामने आ रहे हैं जिसमें मानवता शर्मसार हो रही है। गत दिवस हमने आपको एक वीडियो दिखाया था, आज दूसरा वीडियो देखिए जहाँ पर एक मरीज के साथ किस तरह से अमानवीय कृत्य किया गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक मरीज को
स्ट्रेचर पर लाया गया, उसे नीचे फेंक दिया गया। ये वीडियो जो है दमोह जिला अस्पताल का है। सोशल मीडिया पर ये वीडियो छाया हुआ है। दरअसल दमोह के जलपुर नाके के समीप रहने वाले एक साहू परिवार के सदस्य जो अपने परिवार के लिए दवा लेने आए थे, गाय से टकरा गए, उसके बाद वह बेहोश हो गए। 108 की मदद से दमोह जिला अस्पताल पहुँचे। वहाँ उपचार के नाम पर कुछ इस तरह से उनका उपचार हुआ, मारपीट हुई, उन्हें फेंक दिया गया। उनके 15,000 रुपये नकद जो उनके जेब में था उसे निकाल लिया गया, मोबाइल भी छीन लिया गया। पहले बिना पर्दे के इलाज किया गया, फिर पर्दा लगाकर इलाज किया गया। दमोह जिला अस्पताल के जो प्रबंधक हैं उनके द्वारा ये वीडियो उसे उपलब्ध कराया गया, जिसके बाद भवानी के द्वारा ये वीडियो सोशल मीडिया पर जहां वायरल किया गया, वहीं पत्रकारों को भी वीडियो उपलब्ध कराया गया। 29 अप्रैल की ये घटना है। अब वीडियो वायरल हुआ है, जिसके बाद कार्रवाई की बात कही जा रही है, लेकिन जिला अस्पताल में किस तरह से माना तो शर्मसार हो रही है। दूसरे दिन ये बड़ी घटना सामने आई है। पहले दिन एक माँ की मौत हो जाने के बाद बेटे को एम्बुलेंस रसीब नहीं हुई थी। वहीं दूसरा मामला सामने आ गया मारपीट का, काफ़ी बड़ी घटना है। आप देख सकते हैं किस तरह से पूरा मामला हुआ है। इस संबंध में हमने भवानी साहू से चर्चा की। वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप अस्पताल में गए थे, कुछ हुआ क्या घटना क्रम था क्या? सर मैं 29 तारीख की रात में 29/4/24 की रात में बीमार हो गया था, तो आनंद मेडिकल दवाई लेने आया था अस्पताल के रास्ते। तो मेरे घंटा घर पर एक मवेशी से मेरी गाड़ी टकरा गई थी, तो मैं गिर गया था। उसके बाद में मुझे एम्बुलेंस के द्वारा 108 में अस्पताल भेजा गया। अस्पताल भेजने के बाद मेरा ट्रीटमेंट किया और मुझे फर्शी पर पटक दिया वार्ड बॉय और कर्मचारी ने अस्पताल के, और मेरा 15,000 रुपये कैश और मोबाइल और आयुष्मान कार्ड निकाल लिया गया। उसके बाद में सुबह जब मेरे परिवार के लोग मुझे ढूंढते हुए पहुंचे कि ये दवाई लेके क्यों नहीं आए, तो मैं गेट की मेन गेट पे अस्पताल पे डला मिला था। उसके बाद मेरे परिवार वालों ने डॉक्टर से रिक्वेस्ट की, उसके बाद में मुझे भर्ती किया गया। तो मुझे शाम को 6 बजे जब होश आया तो मैंने अपनी जेब देखी तो मेरी जेब में पैसे नहीं थे, और मैंने जब मैं होश में नहीं आया, मैं बेहोश था, तो मैंने एसपी साहब को आवेदन दिया, कोतवाली में आवेदन दिया कि बेहोशी की हालत में था, मेरे साथ क्या हुआ है, मुझे सीसीटीवी फुटेज चाहिए। तो उन्होंने
आवेदन को मान्य किया और मुझे सुरेंद्र सर अस्पताल के जो मैनेजर हैं उनके द्वारा वीडियो दिया गया और उन जो कर्मचारी नाइट ड्यूटी में थे उनके नाम दिए गए और उसके बाद में वीडियो में सब कुछ सामने सच आ गया। तो आप क्या कार्रवाई चाहते? मैं ये कार्रवाई चाहता हूँ कि आगे चल के किसी गरीब के साथ मेरे जैसा ना हो, जैसे मेरे साथ किया गया है ऐसा किसी के साथ ना हो, तो इन लोगों के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाए, मैं ये चाहता हूँ। पैसे कैसे निकले आपके? पैसे मेरे पीछे के जेब में थे, मैं जीन्स का पैंट पहने हुआ था और मेरे जेब से पैसे निकल गए और जब मुझे तीन बार ड्रेसिंग रूम में ले जाया गया जहाँ पट्टी वगैरह होती है, तो एक बार तो सीसीटीवी कैमरे के ऊपर पर्दे लगा दिए गए और स्ट्रक्चर पूरा खाली था, उसमें स्पष्ट दिख रहा है, और मुझे नीचे डाल दिया गया। और ये अस्पताल के मैनेजर साहब जो हैं सुरेंद्र सर, उनने खुद कहा है कि जब आपका पर्दे पर लगाए गए तभी आपका पैसा निकला है और बाहर इसको आपको मार रहे हैं कि आप न्यूज हर जहाँ कहीं भी कार्रवाई करवाइए लोगों के ऊपर। उन्होंने मुझे वीडियो और समस्त लोगों के नाम लिख कर दिए थे। दमोह कलेक्टर को भी इस संबंध में अवगत कराया जा चुका है। देखने लायक होगा कब तक कार्रवाई हो पाती है, कब तक मामले की जांच पूर्ण होती है। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। दमोह नगर के हागज बरंडा में जिस तरह की घटना सामने आई है उसके बाद अब तक कोई परिणाम देखने को नहीं मिला। तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे, कार्रवाई की बात भी तय की गई, कार्य योजना भी तैयार की गई, लेकिन कार्रवाई के नाम पर अब तक कहीं भी कोई बड़ी कार्रवाई देखने को नहीं मिली। अधिकारियों के द्वारा जांच की जा रही है, 48 घंटे में कार्रवाई का भरोसा भी दिया गया है। तमाम बड़े अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और कहा जा रहा है कि एक बड़ी कार्रवाई की जाएगी, जिसका इंतज़ार दमोह की जनता को भी है, क्योंकि ये प्राचीन हागंज बरंडा था जिसके गेट को गिरा दिया गया, लगभग 150 वर्ष से अधिक पुराना ही है बताया जा रहा है। यहाँ पर दमोह कलेक्टर पहुँचे थे, व्यापारियों के द्वारा अपनी समस्या से भी उन्हें अवगत कराया गया था। वहीं दमोह से सांसद रहे वर्तमान में मध्य प्रदेश शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास श्रम मंत्री प्रहलाद पटेल दमोह पहुंचे, उनके द्वारा इस घटना को लेकर क्या कहा आपको सुना देते हैं। उनके संज्ञान में वो घटना है। प्रथम दृष्टया जब वो डस्ट फैला रहे थे उस पर जिला प्रशासन में कलेक्टर ने संज्ञान में लेकर नगर पालिका को जुर्माना का जो अधिकार था वो उन्होंने किया, लेकिन स्ट्रक्चर गिरना ये तो गंभीर है और उस पर उन्होंने 48 घंटे के भीतर SDM से रिपोर्ट मांगी है और जो पुरातात्विक अवशेषों को क्षति पहुंचाने का अपराध है इससे कमतर कार्रवाई नहीं होगी, ऐसा मुझे मेरा विश्वास है। अन्य जिले के कलेक्टर को संज्ञान में लेंगे। संजय सरवरिया, लखीडी सी न्यूज, दमोह। दमोह जिले के बटियागढ़ थाना अंतर्गत टपरिया के पास दो मोटरसाइकिल आमने सामने टकरा जाने से चार लोग घायल हो गए। घायलों में एक महिला, एक बच्चा, दो पुरुष शामिल थे। एक व्यक्ति की मौत हो गई है जबकि अन्य लोग घायल हुए हैं। घायलों का उपचार पहले बटियागढ़ स्वास्थ्य केंद्र में किया गया, बाद में उन्हें दमोह रेफर कर दिया गया। दमोह जिला अस्पताल में घायलों का उपचार जारी है। बताया जाता है कि बटियागढ़ थाने में पदस्थ आरक्षक राहुल राजपूत के द्वारा ऑटो रिक्शा से बटियागढ़ CSC घायलों को लाया गया था, क्योंकि घायल की स्थिति काफ़ी गंभीर थी, लगातार खून बह रहा था, शासकीय वाहन मौके पर उपलब्ध नहीं था। तीनों लोगों को जिला अस्पताल रेफर किया गया था। कोमल पिता रघुवर निवासी गीदन, प्रकाश पिता कोमल उम्र 5 वर्ष, नर्मदा पति नीरज उम्र 30 वर्ष, आलापुरा पथरिया, राघवेंद्र पिता उत्तम लोधी उम्र 25 वर्ष, छोटी पथरिया की हालत नाजुक होने पर उसे निजी वाहन से जिला अस्पताल रेफर किया गया। करके हम लोग ये हुआ था अपने कॉलेज के सामने, तुरंत सीन पर पहुंचे, एक मरीज ज्यादा सीरियस है, उसको तुरंत गाड़ी में शिफ्ट किया और फर्स्ट एड लेके सीधा अस्पताल शिफ्ट कर दिया। कितने लोग घायल हैं? 4 लोग घायल हैं, जिसमें एक की ज्यादा सीरियस कंडीशन थी, उसको लेके हम अस्पताल ला गए। घटना कैसे हुई है कुछ जानकारी? आपस में टकराए हैं दो मोटरसाइकिल से। तो उसमें कोई मासूम भी है? हाँ, दो बच्चे मासूम बता रहे हैं। उसमें राकेश विश्वकर्मा, EMT। बटियागढ़ से अनु खान की रिपोर्ट। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे,
आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। दमोह के धर्मपुरा से एक बड़ा मामला सामने है। वार्ड नंबर 39 में एक तलैया है जिसमें आए दिन हादसे होते हैं। अब एक वृद्ध महिला की मौत हो गई है। कुछ दिन पहले भी मौत का मामला सामने आया था। प्रतिवर्ष 2 से 3 मामले इस तलैया में डूब जाने के होते हैं। अब एक वृद्ध महिला की मौत हुई है। 65 वर्षीय महिला की मौत हुई है। शव को निकलवा कर दमोह जिला अस्पताल के शव गृह में सुरक्षित रखवाया गया था। आज सुबह शव का पोस्टमार्टम कराया गया है और शव परिजनों को सौंपा गया है। परिजनों के द्वारा किसी प्रकार की घटना से इनकार किया गया है। उनका कहना है कि उन्हें विशेष जानकारी नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? देवेंद्र कुमार प्रजापति। कहाँ के रहने वाले हैं? धर्मपुरा, वार्ड नंबर 39। कौन है आपकी? माता राम। क्या नाम है इनका? श्रीमती हरिबाई प्रजापति। क्या हो गया आने की? कुछ नहीं, वो तलैया में गिर गई थी। कैसे, क्या करने गई थी? ये तो मतलब घर पे वैसे कोई नहीं था। हम भी जैसे कूलर सदरवाने गए थे, बड़े भाई और भाभी मार्केट निकल गए थे। जब बाद में बताया, जब हम दुकान से दौड़े देखा तो उसके बाद आदमों को जोड़ा निकालती रहे, उसके बाद लेके आए यहाँ पर। यहाँ पर श्रीमान जी ने कब की घटना है? कल 2:15 थी। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले के पथरिया थाना अंतर्गत छोटी पथरिया में रहने वाले राघवेंद्र लोधी अपनी ससुराल गए हुए थे। बीती रात पर वापस आ रहे थे तो बीच रास्ते में एक वाहन दुर्घटना घटित हुई जिसमें राघवेंद्र लोधी की मौत हो गई है। बताया जाता है कि वह बाइक से थे, एक अन्य बाइक से उनकी टक्कर हुई है जिसमें भी कुछ लोग घायल हुए हैं। राघवेंद्र लोधी को दमोह जिला अस्पताल लाया गया था जहाँ उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। आज सुबह शव का पंचनामा किया गया। शव का पोस्टमार्टम कराकर सब परिजनों को सौंप दिया गया है। मामला बेहद ही गंभीर है। एक युवक की मौत हो गई है। ससुराल से घर आ रहा था तब ये मौत हुई है। आइए जानते हैं परिजनों से किस तरह से ये घटना हुई। भैया क्या नाम है आपका? मोहन सिंह लोधी। कहाँ के रहने वाले हैं? छोटी पथरिया। ये कौन है आपकी? मेरा छोटा भाई है। क्या नाम है? राघवेंद्र सिंह। कहाँ से कहाँ गए थे, क्या हो गया? ये 2 दिन पहले घर से निकले थे। कहाँ गए थे? ससुराल से घर आ रहे थे। रास्ते में इनका एक्सीडेंट हो गया। कैसे एक्सीडेंट हुआ है पता चला आप लोगों को? बाइक से। कहाँ की घटना है? ये बटियागढ़ कॉलेज के पास। क्या नाम है इनका? राघवेंद्र सिंह। युवक की मौत होने के बाद पुलिस के द्वारा मर कायम कर संपूर्ण मामला जांच में लिया है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। ग्राम बरौदा से एक मामला सामने आया जहां पर एक महिला के द्वारा जहरीले पदार्थ का सेवन किया गया जिसे गंभीर स्थिति में दमोह जिला अस्पताल में दाखिल कराया गया। महिला का उपचार जारी है। बताया जाता है कि अज्ञात कारणों के चलते महिला के द्वारा ये कदम उठाया गया है। महिला के पति को कोई जानकारी नहीं है कि क्या घटनाक्रम हुआ है। महेश। कहाँ के रहने वाले हो? बरौदा। ये कौन है आपकी? ये मिसेज। क्या नाम है इनका? इनका रानू। क्या हो गया? क्या खा लिया? नहीं, क्या खा लिया? जब ये गिर गई, जब हमने देखा तो तत्काल हम लेकर भागे। किस वजह से खा लिया? आप कहा पता किस वजह से? बच्चे परेशान कर रहे थे, लड़ रहे थे, क्या कर रहे थे। हम तो बाहर लेके बच्चे को लेकर घूम रहे। क्या खा लिया नहीं पता चला आपको? नहीं, हमें कोई पता नहीं चला, हम तो बाहर गए। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज। दमोह जिले के खमरिया से एक बाइक पर 3 लोग अभाना आ रहे थे। बीच रास्ते में ऑटो ने
बाइक में टक्कर मार दी, जिसके चलते 3 लोग घायल हो गए। घायलों को अस्पताल में दाखिल कराया गया, जहां उनका उपचार जारी है। घायलों की माने तो एक गाय भी थी। इसी बीच एक ऑटो भी आया और उसके द्वारा बाइक में टक्कर मार दी गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि तीनों ही लोगों को चोटें आई हैं। एक ही गांव के तीनों लोग रहने वाले हैं। आइए जानते हैं क्या पूरा मामला है। लक्ष्मण कहाँ के रहने वाले हो? खमरिया। कितने लोग थे आप लोग? 3 लोग। क्या नाम है तीनों के? लक्ष्मण, अमान, नथु। कहाँ से कहाँ जा रहे थे, क्या हुआ है? वो खमरिया से अभाना जा रहे थे। क्या हो गया? तो सामने एक गाय खड़ी थी और एक ऑटो आ रहे थे दूसरे रूट से, तो ऑटो वाले ने गाड़ी को मार दी। कौन सी गाड़ी से थे आप लोग? वो ले जाते। कहाँ की घटना है? राजघाट। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज़, दमोह। दमोह जिले के तेजगढ़ थाना अंतर्गत पुरा गांव के समीप तालाब के किनारे एक शव देखा गया था, जिसकी पहचान राजू लोधी के रूप में की गई थी। बताया गया कि यहां पर एक पार्टी चल रही थी, पार्टी में विवाद हुआ, जिसके बाद दो भाइयों ने मिलकर राजू लोधी की हत्या कर दी। यहां पर काफी लोग इस पार्टी में थे, ऐसा बताया गया था। मामले की जांच पुलिस के द्वारा की गई, दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। गत दिवस हमने आपको बताया था कि हरिराम रैकवार से पूछताछ की जा रही है, बाद में कैलाश रैकवार को भी पकड़ लिया गया था। दोनों के विरुद्ध FIR दर्ज की गई है। इस संबंध में तेजगढ़ थाना प्रभारी अभिषेक पटेल के द्वारा बताया गया कि हत्या का मामला दर्ज किया गया है। विभिन्न धाराओं में यह मामला दर्ज हुआ है। मामले में कार्रवाई लगातार जारी है। आरोपियों को पकड़ा गया है, जिन्हें माननीय कोर्ट में पेश किया गया है। क्या पूरा मामला है, आइए जानते हैं थाना प्रभारी अभिषेक पटेल से। दिनांक 18-19 को दरमियानी रात करीबन 3 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि एक व्यक्ति पुरा में तालाब किनारे मृत अवस्था में पड़ा हुआ है, जिसकी सूचना पर पुलिस स्टाफ द्वारा तस्दीक की गई और मौके पर पहुंचा गया तो देखा एक व्यक्ति तालाब के किनारे पहुआ के पेड़ के नीचे मृत अवस्था में पड़ा हुआ, जिसके सिर पर काफ़ी चोट थी और खून बहा हुआ था। मृतक की पहचान राजू उर्फ दाल सिंह के रूप में हुई और उसके भाई की सूचना पर देहाती लाल सिंह ली गई। बाद थाना तेजगढ़ में 159/24 धारा 302/34 का अपराध कायम किया गया, जिस पर दो आरोपी कैलाश रैकवार और हरिराम रैकवार को गिरफ्तार कर थाने न्यायालय पेश किया गया है। दोनों आरोपियों को जब गिरफ्तार किया गया था, उससे घटना के संबंध में पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि हरिराम रैकवार और मृतक राजू के बीच में काफ़ी समय से जमीन विवाद चल रहा था और तनाव किसी दिन में थी, उसी के कारण ये आज घटना को अंजाम दिया गया। तेंदुखेड़ा से भरत साहू की रिपोर्ट। पन्ना जिले के गुनौर थाना क्षेत्र के पुरैना गांव में घर में खाना बनाते समय गैस सिलेंडर में आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि गृहस्थी का सारा सामान जलकर खाक हो गया। वहीं डायल 100 को सूचना दी गई, फायर ब्रिगेड को भी सूचना दी गई, जिसके बाद फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत बाद आग पर काबू पाया गया। देखिए हमारे पन्ना संवाददाता प्रमोद वर्मा की ये रिपोर्ट।
सागर जिले के बंडा तहसील अंतर्गत ग्राम धामोनी में हजरत बाबा बालजती शाह की दरगाह परिसर में हर साल के मुताबिक इस साल भी 3 दिवसीय उर्स मुबारक आयोजित किया गया, जिसमें उर्स के पहले दिन हजरत बाबा बालजीत शाह की दरगाह में बड़ी धूमधाम से संदरी चादर पेश की गई, तो वहीं 18 एवं 19 तारीख को हिंदुस्तान के मशहूर कब्बाल एवं कब्बाला के बीच कब्बालियों का मुकाबला हुआ, जिसमें उर्स मुबारक के अंतिम दिन अजमेर से आए कब्बाल नौशाद 16 सलवार और कलियर से आई कब्बाला शहनाज बारसी के बीच कब्बालियों का मुकाबला हुआ। सारी रात ये मुकाबला चलता रहा, जिससे बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ देखी गई। गड़ाकोटा से यूनिस खान की रिपोर्ट। वैशाख माह अपने अंतिम चरण में है, ऐसे में आज प्रदोष व्रत था। प्रदोष के साथ ही सोमवार था। सोमवार के साथ ही कई अन्य महत्वपूर्ण संयोग एक साथ थे, जिसके चलते बड़ी संख्या में आज सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ श्री देव जागेश्वरनाथ धाम बादकपुर में उमड़ी। बताया जाता है कि हजारों की तादाद में लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए पहुँचे। सुबह से शाम तक लगभग 45 से 50 हज़ार भक्तों के द्वारा भगवान भोलेनाथ के दरबार में पहुंचकर दर्शन किए गए। यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखी गई भक्तों की। सभी के मनोरथ पूर्ण हो, इस तरह का सभी का ऐसा विश्वास होता है। विशेष रूप से यहाँ पर पूजन भी संपन्न हुआ है। आप देख सकते हैं भक्तों की भारी भीड़ है, यहाँ पर लाइन लगी हुई है। साथ ही यहाँ पर पुलिस के द्वारा विशेष व्यवस्था बनाई गई। यहाँ पर रमा शंकर मिश्रा मौजूद थे, जिनकी मौजूदगी में अन्य पुलिसकर्मी भी मौजूद थे और उनके द्वारा व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाया गया है। भारी भीड़ आज बादकपुर धाम में देखी गई। भगवान भोलेनाथ के दरबार में वैसे तो हमेशा भीड़ रहती है, लेकिन आज विशेष भीड़ देखी गई। बम बम भोले, हम तुम्हारी शरण भोलेनाथ, इस तरह के लोग जयकारे लगाते हैं। संजय सरवरिया, लकी डीसीएन न्यूज, दफा। मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री प्रहलाद पटेल ने कहा कि बरंडा में वे मामले में होगी बड़ी कार्रवाई। हत्या के मामले का पुलिस ने किया खुलासा।
आज भी जारी रही नगर पालिका की अतिक्रमण रोधी मुहिम। आमानी में बाबा साहब का उत्सव पर ये थे अभी तक की कुछ खास खबरें अपने न्यूज बुलेटिन लेकर हम पुनः हाजिर होंगे, तब तक ले दीजिए हमें इजाजत। सावधान, भारत भर में हथौड़ा स्वामी का कहर। क्या 10,000वीं गाड़ी तोड़ने का रिकॉर्ड पूरा कर पाएगा हथौड़ा स्वामी? आप ही का इंतजार था। Presenting the all new Mihos, electric, just as you like. Extra large space और extra large comfort. Joint family वाले लगते हो? Perfect for you. Long drive and single charge. लंबे सफर के मुसाफिर भी लगते हो? Perfect for you. 60,000 किलोमीटर से ज्यादा की बैटरी लाइफ का Joy e-bike देती है वादा. So Mister, what's your final इरादा? बोलने ही वाली थी कि ये अनब्रेकेबल बॉडी जैसे हमारी जोड़ी। इंडिया का सबसे मजबूत इलेक्ट्रिक स्कूटर द ऑल न्यू Mihos। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक। भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई और इसमें हम सफर है आपका अपना कोई, जो ले जा रहा है आपको अपनी मंजिल की तरफ। आज है उठा कदम जो छू लेगा कल की जमीन, अगर साथ चले हम सफर बन साथ चले। एक दूजे के सफर को अपना ही सपना समझ कर साथ चले, हम सफर बन साथ चले। अकेले चलते चलते क्या मिला है, क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े देश मेरे साथ चले, साथ चले तुम देश को ले जाए नई दिशा की ओर। आपका जॉय, भारत का जॉय, जॉय ई बाइक।